नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बीते शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित हरीश धवन सेंटर से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजे जाने के 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के ज्यूरियन खाड़ी के पास समुद्र के किनारे एक रहस्यमय वस्तु मिली है, जिसको देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन का एक टुकड़ा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर मिले इस रहस्यमय विशालकाय टुकड़े ने जहां ऑस्ट्रेलिया पुलिस की नींद उड़ा दी है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी समुद्र तट पर मिली किसी धातु से बनी 2 मीटर बेलनाकार वस्तु जिस पर कई तार लटक रहे हैं, वो क्या है इसकी जांच करना शुरू कर चुका है। स्पेस एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर ये रहस्यमय चीज कहां से आई और इसका भारत के चंद्रयान 3 से क्या कोई लेना देना है या नहीं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने ये मलबा कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये सब जानने के लिए अपनी समक्ष इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से मदद मांगी है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने सोमवार को ट्विटर पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इस रहस्यमय वस्तु की एक फोटो भी शेयर की है और कैप्शन में लिखा कि हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज्यूरियन खाड़ी के पास एक समुद्र तट पर मिली इस वस्तु से संबंधित पूछताछ कर रहे हैं। ये चीज किसी विदेशी स्पेस लॉन्च के रॉकेट से जुड़ी हो सकती है। हम वैश्विक समक्षों के साथ संपर्क कर रहे हैं जो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी द्वारा इस फोटो को भी शेयर किया जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। दोस्तों, लोग अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं। कई लोग इसे चंद्रयान 3 का हिस्सा होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर जो रहस्यमय वस्तु यहाँ पर गिरी वो क्या है क्या नहीं। वैज्ञानिक दोस्तों खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों लोग इसे चंद्रयान 3 से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि चंद्रयान 3 का कुछ टुकड़ा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में गिर गया है, जबकि ऐसा अभी नहीं है। वैज्ञानिक छानबीन कर रहे हैं, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च है और दोस्तों चंद्रमा पर जल्द ही पहुंचने वाला है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब।